हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी लाइव। आप लोग के लिए बेहद खुशखबरी, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए सीडीएस एफकेट और आरपीएससी और सी जो एसएससी एग्ज़ाम है उनके लिए। आप लोग अभी इस चैनल पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी से। ठीक है, तो आज हम जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, हम यहाँ पर ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन से बात करेंगे और बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी है उसका वर्ड की जो स्टार्टिंग है वो कैसे स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले जो टर्म है ज्योग्राफी का वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द इरेटोस्थनीज, जो कि ग्रीक स्कॉलर थे। सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड का यूज जो किया गया, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, वो आपके कौन थे? इरेटोस्थनीज। ठीक है, उन्होंने इस वर्ड को स्टार्ट किया है। ओके, है ना। अब देखते हैं हम लोग, द वर्ड हैज बीन डिराइव फ्रॉम द टू रूट्स। मेन सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ज्योग्राफी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, वो आपका है, आपका जियो से। ठीक है, एंड सेकेंड चीज, एंड जो नेक्स्ट चीज है वो है ग्राफो। तो मतलब यहाँ पर जो जियो का जो मीनिंग है वो आपके क्या चीज बता रहा है, कि जियो मतलब ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, और ग्राफो मतलब स्टडी। तो मतलब यहाँ पर जो स्टडी हो रही है वो किसकी स्टडी हो रही है? ज्योग्राफी की। मतलब ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर से लेकर जो ए टू जेड जो भी कंटेंट है यहाँ पर, ठीक है, जितने भी चीजें हैं यहाँ पर उनके बारे में स्टडी करना, वो चीज कहलाती है आपकी ज्योग्राफी कहलाती है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो, आप जो इरेटोस्थनीस ने ज्योग्राफी जो टर्म दिया, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, तो ए सिस्टम कॉर्ड, इनके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। ए सिस्टम कॉर्ड लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, ठीक है, वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड बाय द इरेटोस्थनीस। सबसे पहले जो इन टर्म्स को इन्होंने सर्च किया है ना, लॉन्जिट्यूड और लेटिट्यूड को, वो भी किसने किया था? आपके इरेटोस्थनीस ने। तो यही सब चीजें इन्हीं वजह से, मतलब इतना कॉन्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफी वर्ल्ड का इन्होंने स्टार्टिंग किया। ठीक है, लॉन्जिट्यूड और जो लेटिट्यूड है इनका भी इन्होंने इसको स्टार्ट किया, इन्होंने सबसे पहले यूज किया इनका। तो इसी वजह से दीज वर सम ऑफ द रीजन वाई द वेस्टर्नर्स कॉल इसे इरेटोस्थनीज एज अ फादर ऑफ ज्योग्राफी। आप ये हाईलाइट देख रहे हैं, तो इसी वजह से फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज के, ज्योग्राफी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर बात हो रही है। तो हमारे फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो कहलाएंगे आपके इरेटोस्थनीज को, और इनका जो है लॉन्जिट्यूड और लेटिट्यूड के इनको स्टार्ट करने में जो उन्होंने इन्वेंट किया इनको, उसमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से तो आपके ज्योग्राफी का फर्स्ट जो यूज करने का नेक्स्ट, देखो आप, इंडीड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म ज्योग्राफी इट्सेल्फ। तो मतलब ये ज्योग्राफी जो टर्म था उसको यूज करने वालों में भी सबसे पहले यही थे, इसीलिए सबसे पहले क्लियर हो गया कि जो फादर ऑफ जो ज्योग्राफी वो आपके इरेटोस्थनीस थे। ठीक है, हम लोग देखा कि ज्योग्राफी जो है वो क्या है, आपके ज्योग्राफी जो मतलब आपके जो है अर्थ है ना, ग्राफी मतलब स्टडी। तो मतलब ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर और ए टू जेड लेकर जो कंटेंट है उनका यहाँ पर स्टडी होने वाला है। ओके, क्लियर, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी जो है हम देखते हैं। नॉर्मल सी बात है वैसे कि जो ज्योग्राफी होता है क्या है, तो देखेंगे हम लोग, तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरमेंट। तो यहाँ पर देखो कि जो लोग हैं इस अर्थ के ऊपर जो रह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अर्थ के ऊपर कौन रहता है? यहाँ पर हम लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, और आपके यहाँ कौन रह रहा है? आपके एनवायरमेंट भी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी चीज की स्टडी आपकी ज्योग्राफी कहलाती है। ज्योग्राफर्स एक्सप्लोर बोथ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ सरफेस एंड द ह्यूमन सोसाइटी से स्प्रेड अक्रॉस इट। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन के साथ में हम लोग, ह्यूमन मतलब जो उसकी जो एक्टिविटीज हो रही है वो अर्थ के साथ ही हो रही है, और वो जितनी भी अपनी ह्यूमन जो वहाँ पर जितनी भी सोसाइटीज हैं वो अलग अलग सोसाइटीज हैं, तो उनका अर्थ के साथ में जो कनेक्शन है, तो उन एनवायरमेंट का, उनका कनेक्शन का यहाँ पर स्टडी हो रही है, वही चीज ज्योग्राफी कहलाती है। ओके, क्लियर है, हम इसे सिंपल लैंग्वेज में देख सकते हैं। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इट कैन बी सेड दैट द ज्योग्राफी इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। सिंपल सी वही चीज बात हो गई कि जो ज्योग्राफी है वहां पर हम लोग अर्थ के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, वही चीज है। ओके, तो ज्योग्राफी एक ऐसा स्टडी, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप ज्योग्राफी को डिटेल में स्टडी कर रहे हो। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखो यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है, हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं यूनिवर्स के बारे में, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है बेटा। ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा, है ना, ज्योग्राफी से लेकर के फिजिकल ज्योग्राफी में जो इसका स्ट्रक्चर है, कैसे हुआ ज्योग्राफी का ओरिजिन, कैसे हुआ, ठीक है, इसके फादर हमने पढ़े, तो इस तरह से थोड़ा सा हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। देखो जो यूनिवर्स आप देखते हो, यहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, गैलेक्सीज हैं। तो मोस्टली जो है द स्टडी ऑफ, देखो आप फर्स्ट लाइन यहाँ पर, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑल्सो नाउन एज द कॉस्मोलॉजी। मतलब यहाँ पर जो जो यूनिवर्स है, ठीक
ठीक है, उसको स्टडी हम जहाँ करेंगे तो वो सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, वो कॉस्मोलॉजी, ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, पर आपके जो कंटेंट है, जो आपके यहाँ पर जो एग्जामिनेशन में आने वाला है एनडीए सीडीएस, तो इनके अंदर जो मेन जो आपके जो कंटेंट है, कॉस्मोलॉजी से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपके ध्यान रखिएगा, जिस भी ब्रांच के अंदर यहाँ पर यूनिवर्स को स्टडी किया जा रहा है, वो चीज़ क्या क्या कहलाती है आपकी, वो चीज़ कहलाती है आपकी जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। अब देखेंगे, द यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द टोटली ऑफ, है ना, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर्स, ठीक है, एंड एनर्जी। तो मतलब यहाँ पर देखो यूनिवर्स के अंदर हो क्या रहा है, कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल मैटर्स, एनर्जी, प्लैनेट्स, बहुत सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, है ना, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पीसी। मतलब यहाँ पर एक यूनिवर्स के अंदर जो हम जो देख रहे हैं वो सभी का मिक्सर है, और इसमें जो मिक्सअप है और जो इंक्लूडिंग है उसमें हम लोग बहुत सारे एनर्जी को, प्लैनेट्स को, ग्रहों को, उपग्रहों को, है ना, गैलेक्सी, आकाश गंगाओं को, और कंटेंट ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस, मतलब जो बहुत सारी जो दूसरी भी आकाश गंगा है, जो मिक्सअप है, जो ग्रुप है दूसरी आकाश गंगाओं के, हमारे आकाश गंगा के अलावा जो भी दूसरे आकाश गंगाएं हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले, उनका मिक्सअप है ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह से देखो आप, लास्ट लाइन, द यूनिवर्स कंप्राइजेस ऑफ द बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। तो इस तरह से जो यूनिवर्स है, ठीक है ना, तो यूनिवर्स से बना हुआ, बहुत सारी गैलेक्सी से बना हुआ। आप यहाँ बात करेंगे, हम लोग अपनी मंदाकिनी के बारे में बात में भी बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, जो गैलेक्सीज हैं। तो इस तरह से बहुत सारी गैलेक्सीज का मिक्सअप, उनके जो उपग्रह उपग्रह, ठीक है ना, बहुत सारे प्लैनेट्स, तो उनसे रिलेटेड बात हो रही है, वो सारा मिक्स कहलाता है आपके यूनिवर्स। ओके, क्लियर है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए अब क्या चीज हुई यहाँ पर, देखो आप यहाँ पर इन एडी एडी 140, यहाँ पर देखो आप इन एडी 140 जो टॉलमी थे प्रपाउंडेड द थ्योरी दैट द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब देखो यहाँ पर आपकी इस जो कंटेंट है यहाँ पर क्या रखा है, कि जो टॉलमी थे, यहाँ पर पी साइलेंट रहता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम टॉलमी की, यहाँ पर टॉलमी की बात कर रहे हैं। तो इसने क्या बताया, देखो अब ये क्या है, यूनिवर्स से जो रिलेटेड कुछ थ्योरीज जो स्टार्टिंग में लोगों ने वहाँ पर दिया, ठीक है, जो भी वहाँ पर थे तो उस टाइम ड्यूरेशन में, तो यहाँ पर ये एडी 140 की बात हो रही है। तो टॉलमी ने क्या बताया, इनका जो स्टार्टअप था, कि बोला इन्होंने कि अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इन्होंने अर्थ को पूरे ब्रह्मांड का क्या बताया, सेंटर बताया। और क्या बताया, नेक्स्ट, द सन एंड द अदर हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट, है ना। और उसके अलावा क्या हो रहा है, कि यहाँ पर स्वर्ग की जो दूसरे, जो मतलब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्स में, तो वो सन और उसके अलावा दूसरे जो ग्रह उपग्रह हैं, जो भी कुछ प्लैनेट स्टार है, वो सब इसके क्या कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा टॉलमी का कहना था, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है गलत है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहां पर दिया। अब उसके बाद में क्या होता है, 1543 के अंदर कॉपरनिकस, है ना, नेक्स्ट जो आ रहे हैं आपके, जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, ये आ रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, कि सेट दैट द सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अब इन्होंने बताया कि जो आपके यूनिवर्स है, ठीक है, उसका सेंटर क्या है, सन बताया इन्होंने, ठीक है, एंड नॉट द अर्थ। तो इन्होंने जो टॉलमी था उसकी जो थ्योरी था उसको गलत बताया, जबकि इन्होंने क्या बोला कि सन यहाँ पर सेंटर है, जबकि टॉलमी ने यहाँ पर सेंटर किसको बताया था, अर्थ को, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉपरनिकस था वो सही सही निकला, इन्होंने अर्थ को मेन सेंटर नहीं माना है, इन्होंने सन को बताया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, कैप्लर, अब कैप्लर आया, तो कैप्लर क्या बोल रहे हैं, सपोर्टेड कॉपरनिकस बट सैड दैट द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। देखो इन्होंने उस थ्योरी को प्यूरिफाई कर दिया, पहले टॉलमी ने आपके अर्थ को सेंटर माना है, सेकंड वाले में आपको आपके जो कॉपरनिकस हैं उन्होंने आपके सन को सेंटर बताया, ठीक है ना, अर्थ को सेंटर नहीं माना है। उसके बाद हम बात करते हैं कैप्लर की, तो कैप्लर में क्या क्या कंडीशन हो रही है, कैप्लर ने एक सिंपल सी बात बोली कि जो जो कॉपरनिकस ने बोला था कि सन किसका सेंटर है, यूनिवर्स का, ऐसा नहीं है, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि सन एक सेंटर है सोलर सिस्टम का, ये चीज उन्होंने बताया, नॉट द यूनिवर्स। तो इस तरह से ये आपके यूनिवर्स से जो है रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट, कुछ थ्योरीज थे जो यहाँ पर रिलीज हुई। ओके, ठीक है, हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, है ना, मतलब ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति था उसके ओरिजिन से लेकर कौन कौन सी चीजें आती है वहां पर, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो देखो, द थ्री मेन थ्योरीज पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स आज फॉलो। देखते हैं उन थ्योरीज के बारे में कि कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरीज के बारे में, ठीक है। अब जो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, अब देखो इस थ्योरी को दिया था आपके जॉर्ज लेमेट्री ने, ठीक है। अब लेमेट्री का क्या कहना था इस थ्योरी में, देखो बिग बैंग वॉज एक्सप्लोशन, है ना, एक्सप्लोशन दैट अकर 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, है ना, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज और स्टार इन द अदर हेवनली बॉडीज। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर लेमेट्री सर, क्या बोल रहे हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी है वहां पर होता क्या है, वहां पर एक क्या हुआ था स्टार्टिंग में, जो बिग बैंग थ्योरी में एक एक्सप्लोजन बता रहे हैं, अब ये एक्सप्लोजन कैसा था, ये एक स्टार के अंदर था, ठीक है ना, ठीक है। तो ये एक स्टार के अंदर एक्सप्लोरेशन होता है, बहुत बड़ा ये, है ना, विस्फोट होता है, और ये विस्फोट के बाद जो भी पार्ट्स निकले वहां पर, ठीक है ना, तो वो काफी दूर तक जाते हैं, मतलब ये एक होल के अंदर हो रहा है विस्फोट, ये स्टार मान लो आप,
ये तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विस्फोट हो रहा है। अब ये विस्फोट होने के बाद में क्या चीज होगी, यहाँ पर, यहाँ पर विस्फोट होने के बाद में इसका जो है जो भी ब्लास्ट होगा तो वो सब चीजें फैल जाती है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से फैल जाती है। ओके, तो ये इस तरह से जो ये फैला ये मटीरियल, तो ये इस तरह से यहाँ पर ये चीजें राउंड होती रहती है, ठीक है। तो यही चीजें क्या कहलाती है आपके, मतलब इसी से, इसी वाली थ्योरी के थ्रू उन्होंने बताया कि एक स्टार में एक्सप्लोरेशन होता है ना, और वो एक्सप्लोरेशन से क्या होता है, काफी चीजें वो दूर दूर तक तो फैल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पर अलग अलग चली जाती है, ठीक है, ये यहाँ पर कंडीशन है। और इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से जो स्टार्स और अदर जो थे यहाँ पर, उनका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, वो बने इस तरह से, समझ में आया। तो ये बिग बिंग थ्योरी में एक स्टार के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा विस्फोट होता है ना, और इसको विस्फोट के जो पार्ट्स थे वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं, और वही चीजें क्या हो रही है, रोटेट हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज बता रहे। तो इस तरह से बिग बैंग थ्योरी है जिसको प्रपोज किया था आपके लेमेत्र ने। ओके, क्लियर है चीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। देखो अभी थ्योरी आ रही है स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है। अब देखो आपने जो हाईलाइट देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और द फ्रेड हॉयल, तो ये इस थ्योरी थ्योरी को देने वाले पर्सन थे, ये इसके स्टार्टअप करने वाले थे, इन्होंने इस थ्योरी को दिया। अब देखो दिस थ्योरी स्टेट दैट द ऑल द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। देखो इस थ्योरी में बात क्या हो रही है, स्टेडी स्टेट थ्योरी के अंदर देखो दो कंडीशंस आ रही है कि या तो देखो क्या चीज है, ऑल्दो द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, कि हालांकि यूनिवर्स फैलता है, इट्स नेवर्थलेस डज नॉट चेंज इट्स अपीयरेंस ओवर अ टाइम, इट हैज नो बिगनिंग और नो एंड। इन्होंने बताया कि क्या होता है, ब्रह्मांड हमेशा जो है मोस्टली एक्सपेंड करता जा रहा है, ठीक है ना, पर जो इसके अपीयरेंस है उसमें कभी भी मुश्किल चेंज आने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना, काफी लंबे टाइम तक भी चेंज नहीं आएंगे। और क्या होगा, इन्होंने क्या बताया, मेन इसकी जो लाइन वो है, इट हैज नो बिगनिंग एंड नो एंड। इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि जो इस यूनिवर्स है जो ये फेल रहा है ना, कंटिन्यू फेल रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा, उसका एंड और इसका स्टार्टिंग नहीं है। आपके स्टेट जो आपकी स्टेडी स्टेट थ्योरी है वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है मेन, कि जो आपकी जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है वो बता रहा है कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, इससे मेन इसका लाइन ये है। ओके, क्लियर है कि मतलब कहीं से भी स्टार्टिंग नहीं पता आपके एक्सपेंड, इसका अभी तक कोई भी स्टार्टिंग वाला पॉइंट नहीं मिल पाया कि भाई यूनिवर्स इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और उस वाले पॉइंट तक जा रहा है। ओके, क्लियर है, तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे बताया हमने। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर। तो हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी को देखा, स्टेडी स्टेट थ्योरी को देखा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की। देखो द पल्सेटिंग थ्योरी के अंदर क्या बात हो रही है, जो जो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है, पल्सेटिंग थ्योरी है ना, एक तरह से धड़कने वाला जो यहाँ पर ये वर्ड है, ठीक है ना। तो आपकी इस थ्योरी को जो प्रभाव जो स्टार्ट किया है वो आपके डॉक्टर एलन सुंडेस ने किया है, ठीक है ना। अब देखो ये थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है, इसके अंदर क्या चीज बताइए, जो कि एलन जो सर है इन्होंने ये चीज को दिया है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स इज सपोज बी एक्सपेंडिंग, ठीक है ना। ये क्या बता रहे हैं कि इस थ्योरी में क्या चीज अज्यूम किया गया कि या तो ब्रह्मांड जो है वो क्या कर रहा है, फेल रहा है ना, या तो ब्रह्मांड क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है बहुत ज्यादा, या फिर क्या कर रहा है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टिंग, या फिर वो क्या है, सिकुड़ रहा है, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव मतलब कभी सिकुड़ता है कभी बनता है, ऐसा होता है, ये चीज नहीं कंटिन्यू, ये नहीं कि यहाँ पर चीज। तो यहाँ पर देखो ये दो इन्होंने चीज बताई है यहाँ पर, तो ये चीज बोला है कि जो थ्योरी है आपकी द पल्सेटिंग थ्योरी के अंदर, एक चीज क्या बताई है यहाँ पर एलन सुंडर्स ने, ये चीज एक्सप्लेन किया है कि या तो ब्रह्मांड क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, वो सिकुड़ रहा है। ओके, तो इस तरह से थ्योरी बताई है, एट प्रेजेंटिंग द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो इस तरह से बताया कि या तो इन्होंने इस चीज से ये चीज बताई है कि बस या तो ब्रह्मांड क्या कर रहा है, एक ही सेंटर में के अंदर सिकुड़ रहा है पूरा इस तरह से, या फिर वो क्या करता है, एक्सटेंड करता जा रहा है, इस तरह से बताया। तो अभी जो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बोलना है वो क्या बोले कि जो भी यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, फैलता जा रहा है वो। तो ये आपके एलन सर जो एल एस सुंडेस थे इनकी थ्योरी थी इस तरह से। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो द इन्फ्लेशनी जो है, इन्फ्लेशनी जो थ्योरी है, ठीक है ना, अब इस इन्फ्लेशनी वाली थ्योरी के अंदर क्या चीज है, इसको देने वाले एलान गुत थे, ठीक है। यहाँ पर तो एलान गुत ने ये थ्योरी दिया अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना। इन्फ्लेशन वही मुद्रा स्फीति वाला वाला पॉइंट है यहाँ पर। तो देखो द अर्ली यूनिवर्स एक्सपेंड एक्सपोनेंशियली, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो यूनिवर्स फैला तो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली, मतलब फास्ट, बहुत ज्यादा मतलब बहुत स्पीड में वो चीज़ बढ़ गया, है ना, मतलब वो किस तरह से एक्सटेंड हुआ, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आफ्टर ए बिग बैंग, मतलब बिग बैंग के विस्फोट के बाद, उसके ब्लास्ट होने के बाद क्या हो गया, एकदम सडनली यूनिवर्स मतलब एक सेकेंड के भी, है ना, उसके पॉइंट्स में वो चीज़ एक्सपेंड हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, इस तरह से यूनिवर्स का बनना बता रहे हैं ये चीज़, ठीक है। और कॉस्मोलॉजिस्ट जो हैं, जो इसके स्टडी करते हैं यूनिवर्स की, इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया इज 1981 में ये आइडिया यहाँ पर प्रिंट हुआ, सोसाइटी के अंदर आया चीज, एंड सॉल्व द सेवरल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ अस, और इस वाली थ्योरी से बहुत सारे कॉस्मोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व की गई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिए, कॉस्मोलॉजी लॉजिस्ट ने जो आइडिया था आपके 1981 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर क्या बताया कि बिग बैंग थ्योरी के बाद में यूनिवर्स जो है वो ड्रास्टिकली सडनली क्या कर रहा है,
चेंज हो गया और एक्सपेंड हो गया, चीज है यहां पर, ये चीज बताइए। ओके क्लियर है, ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ गैलेक्सीज है, ठीक है ना, इजी सा टॉपिक है, कई बार आ जाता है हमारे पास ये चीज, गैलेक्सी जो है क्या चीज है ना, जो आपके गिवन बिलो वर्ड्स जो डेफिनेशन से ऑप्शन से उसमें से कौन सा आपके इस चीज को डिफाइन नहीं करता है। तो देखो आप ये चीज, द वर्ड गैलेक्सी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक गैलेक्सीज, गैलेक्सियास, ठीक है, आपको तो ये वर्ड ध्यान रखना है कि ग्रीक जो आपके गैलेक्सियास से लिया गया है ये, ठीक है ना। ए गैलेक्सी इज अ लार्ज कंसलेशन ऑफ स्टार, अब कंसलेशन मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ग्रुप इज अ लार्ज कंसलेशन ऑफ स्टार इन विच देयर इज अ सेंटर बल्ज, है ना, एंड थ्री रोटेटिंग आर्म्स। अब देखो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो गैलेक्सी है लार्ज कंसलेशन ऑफ स्टार, है ना, कंसलेशन का मतलब होता है ग्रुप, तो मतलब जो गैलेक्सी है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है, इन विच देयर इज अ सेंट्रल बल्ज। अब इसमें क्या होता है, आप गैलेक्सी देखा है आपने, ठीक है, ये इस तरह से होता है ये, ठीक है, इस तरह से, तो मतलब यहाँ सेंटर में बहुत ज्यादा बल्ज होता है, मतलब यहाँ पर जो है डेंसिटी जो है स्टार्स, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिलेंगे आपको इस तरह सेंटर के अंदर, ठीक है। और जो थ्री रोटेटिंग आर्म्स होती है, मतलब आप जो देखोगे इस तरह से, तो ये एक आर्म्स और ये इस तरह से आर्म बताइए यहाँ पर, हम लोग तो देखेंगे अभी आगे इमेजेस में जाकर, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर इन्होंने गैलेक्सी को डिफाइन किया, एक सेंटर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बल्ज होगा, उसके बाद में एक रोटेटिंग आर्म्स बताइए, ठीक है। तो दिस रोटेटिंग आर्म्स आर कंपोज ऑफ सेवरल स्टार्स, देखा वो इस, मतलब जो स्टार्स है वो पूरा गैलेक्सी फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो इसके आर्म्स बता रहे हैं वहीं पर भी स्टार्स होंगे, वहां स्टार्स हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकती है, ठीक है। द बल्ज इज द सेंटर ऑफ द गैलेक्सीज, आपको बताया मैंने कि जो सेंटर यहाँ पर जो बहुत ज्यादा डेंसिटी मिलेगी वो आपके बल्ज कहलाएगा, ठीक है, ये आपके क्या कहलाएगा, बल्ज कहलाएगा। ओके, वेयर देयर इज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्टार, सबसे ज्यादा स्टार की जो क्वांटिटी मिलेगी आपको मोस्टली कहाँ मिलने वाली है, वो आपके मिलेगी सेंटर के अंदर। ओके क्लियर है, तो इस तरह से गैलेक्सी को डिफाइन किया, गैलेक्सियाज बोला गया है, ठीक है। और आपके एवरी गैलेक्सी जितनी भी गैलेक्सीज है वो सिंगल या एक या दो स्टार से फॉर्म नहीं होती, वहां पर क्या होते हैं, कंपोज ऑफ अबाउट 100 बिलियन स्टार, तो वहां काफी ज्यादा स्टार्स होते हैं, अरबों खरबों में स्टार्स होते हैं वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से गैलेक्सी को देखा हमने, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ आपके स्टार्स कहलाता है वो, ठीक है। तो ये इस तरह से चीज है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, गैलेक्सी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है। तो देखो ये चीज यहाँ पर, द गैलेक्सीज आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब देखो स्टार से बने हुए तो वो आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ पर वो ग्रेविटी के थ्रू कनेक्टेड है ना, दिस स्टार्स अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द मासेस ऑफ द गैलेक्सी, ठीक है ना। और वहां पर जो उनका है, यहाँ पर जितने भी स्टार्स हैं, देखो यहाँ पर गैलेक्सी के रिलेटेड बात कर रहा है, जो गैलेक्सीज हैं आपके वो बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप होता है, वो ग्रेविटी की वजह से कनेक्टेड है, ठीक है ना। और ये इनका जो मासेस है बहुत ज्यादा है सबका, है ना, बहुत ज्यादा, कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं, और ये सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और ये इनका स्टार्स की जो क्वांटिटी है और इनका जो डेंसिटी है वही चीज किसी भी गैलेक्सी को फॉर्म करता है, ठीक है बेटा। ये चीज है यहाँ पर, हम बात करते हैं एंड्रोमेडा के बारे में, ठीक है ना। अब एंड्रोमेडा क्या है, ये भी क्या है, गैलेक्सी है जो हमारी, जो हमारा, जिसमें हमारा जो अर्थ है, ठीक है ना, हमारे अर्थ की जो है एंड्रोमेडा सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पास वाली जो आकाश गंगा है वो कौन सी है आपके, एंड्रोमेडा, ठीक है बेटा। एमसीक्यूज में मोस्टली ये चीज एग्जामिनेशन में आती है कि एंड्रो जो हमारी इन जो है ना अर्थ, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ठीक है, दुग्ध दुग्ध मेखला भी बोलते हैं उसे, तो उसके सबसे पास की जो है गैलेक्सी वो कौन सी, तो वो क्या है, एंड्रोमेडा। ओके, विच इज अ 2.2 मिलियन, है ना, लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम, जो हमारी जो हमारी अर्थ, जो हमारी जो दुग्ध मेखला जो आकाश गंगा है उससे 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, वो प्रकाश वर्ष इतना दूर बताया उसको। ओके ठीक ना, आर ओवन गैलेक्सी इज नाउन एज मंदाकिनी, और देखा आपने यहाँ पर जो मंदाकिनी है यहाँ पर, ठीक है, हमारी गैलेक्सी को हम लोग मंदाकिनी भी कहते हैं, दुग्ध मेखला भी कहते हैं, क्योंकि एज वो बहुत वाइट है, एकदम ब्राइट है, इसका शेप कैसा है आपके, स्पायरल है, ठीक है, स्पायरल आप देखोगे यहाँ पर, स्पायरल इस तरह से होता है स्पायरल, ठीक है। अभी अभी फोटोज देखेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ही बताई इन्होंने बात, ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़, एंड्रोमेडा हमारी क्लोजेस्ट, हमारी जो सबसे पास वाली आकाश गंगा है, जो हमारी जो है हमारी आकाश गंगा के पास वाली है, ठीक है ना। द गैलेक्सीज आर जाइंट असेंबलीज ऑफ स्टार्स, वही सेम चीज आ गई कि जो आपकी गैलेक्सीज हैं वो क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैसेस और डस्ट का फॉर्मेशन होता है कंप्लीटली, है ना, दिस स्टार्स अकर इन द ह्यूज बंचेस ऑफ और क्लस्टर, तो इस तरह से इसी का आप गैलेक्सी को क्या बताता है, बंचेस या क्लस्टर ऑफ स्टार्स, मतलब बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप है यहाँ पर, डस्ट भी हो सकती है, गैसेस भी हो सकती है, ये चीज है यहाँ पर। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से गैलेक्सीज को क्लासीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दे आर सो बिग दैट दे हैव समटाइम्स बीन कॉल्ड आइलैंड्स यूनिवर्स, तो मतलब यहाँ पर क्या बताया कि कई बार तो वो इतनी ज्यादा गैलेक्सीज बड़ी होती हैं, मतलब गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर जहां पर बहुत सारी गैलेक्सीज, तो उनको क्या बोला जाता है ना, आइलैंड यूनिवर्स बोला जाता है। ओके ठीक है, तो मिल्की वे और एंड्रो एंड जो है एंड्रोमेडा इसका एग्जाम्पल है,
ठीक है, तो आइलैंड जो यूनिवर्स है यहाँ पर बहुत सारे आकाश गंगा है, ठीक है ना। हमारा जो अर्थ और जो सौरमंडल है वो इसका एक सौरमंडल का एक छोटा सा पार्ट है एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बात हुई है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मूव पे, आई होप क्लियर होगा आपको सब कुछ ये, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा आकाश गंगा के बारे में देखेंगे, है ना। आर ओवन गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे, बताया आपको मैंने, आकाश गंगा कहते हैं इसे, मिल्की वे इसे दूध मेखला भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम ये ब्राइटेस्ट होती है चीज इसी वजह से, है ना। एंड इट कंटेन अबाउट द 300 बिलियन स्टार, है ना, बहुत सारे स्टार्स हैं यहाँ पर, ठीक है। वन ऑफ दीज इज, उनमें से भी हमारा जो सन है, जो सोलर सिस्टम का, जो जिसपे सोलर सिस्टम का जो मेन सेंटर है वो आपका, वो भी इसी के अंदर है, ठीक है। वो इन स्टार्स में से एक है। प्लैनेट्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स गो राउंड द सन एंड द मेक अप सोलर सिस्टम विद द सन एट द सेंटर। तो इसी तरह से प्लैनेट्स बहुत सारे, ये प्लैनेट्स जो है, हम लोग ये मिल्की वे की बात कर रहे हैं, इसी का सोलर सिस्टम एक पार्ट है, इसमें सन सेंटर है और प्लैनेट्स के राउंड चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सन इसका सेंटर है यहाँ पर, है ना, बहुत ईजी चीज़ है। अब देखो, अब ये जो चीज हमने पढ़ी कि इस तरह से सन इसका सेंटर है, ठीक है, और जो सन इसका सेंटर है, बहुत सारे प्लैनेट्स यहाँ बने हुए हैं। तो ये चीज़ होने के बाद में 1924 में जो एडविन हबल थे, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया, एक एक्सपेरिमेंट करके बताया, क्या बताया कि एग्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज बियॉन्ड मिल्की वे, कि हमारे यहाँ पर जो है, हमारे आकाश गंगा जिसमें हमारा जो अर्थ है, हमारा सौरमंडल है ना, वो मिल्की वे में के अंदर पर, इसके अलावा भी बहुत सारी आकाश गंगाएं यहाँ पर इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में मौजूद है। तो ये जिसको डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले, जिसको बताने वाले, प्रदर्शन करने वाले कि ये इस तरह से भी है, हमारी गैलेक्सी के अलावा दूसरी आकाश गंगा है, तो ये किसने बताया, आपके एडविन हबल ने इस चीज को बताया, ओके। तो आपके देने वाले 1924 में इसने बताया ये चीज कि हमारी आकाश गंगा के अलावा भी दूसरी आकाश गंगा यहाँ पर है, ओके, क्लियर है चीज। इस तरह से हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट चीज, आप हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ गैलेक्सी। अब गैलेक्सी की वैरायटी देख रहे हैं कि गैलेक्सी होती कौन कौन सी है, ठीक है ना, किस किस फॉर्म में है वो, तो उनकी हम वही चीज देख रहे हैं। देखो फॉर्म ऑफ गैलेक्सी, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पायरल की, है ना। तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्पायरल है ना, स्पायरल है ए सेंट्रल न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पर आप देखोगे इमेज में, देख पा रहे हैं आप, ये इस तरह से ये स्पायरल है, यहाँ पर ये सेंटर है, देखो ये चीज। तो यहाँ पर जो सेंटर की बात कर रहा है, सेंट्रल न्यूक्लियस विद द ग्रेट स्पायरल आर्म्स, ठीक है, एंड है ना, देखो तो यहाँ पर ये चीज है, सेंटर से ही आर्म्स निकलेंगे यहाँ पर, ये देखो आप इस तरह से ये चीज, तो यहाँ पर एक ही सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेंटर में यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये ज्यादा बल्ज है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, और यहीं से इसकी क्या निकल रही है, आर्म्स निकल रही है, आप ये देख रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ से इस तरह से ये आर्म्स निकल रही है। तो इस तरह की जो स्पायरल वाली शेप है, तो ये कहलाती है आपके स्पायरल गैलेक्सीज कहलाती है इस तरह की, ठीक है। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मिल्की वे और कौन सी, एंड्रोमेडा जो इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि स्पायरल शेप में ये चीज है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक सेंटर के अंदर निकल गया, उससे ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है, इस तरह से निकल रही है, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये इस तरह के ब्रांचेज जो फॉर्म हो रही है वो आपके स्पायरल गैलेक्सीज कहलाती है, ओके। और हम बात करते हैं एलिप्टिकल, है ना, सेकंड वाली चीज की, तो एलिप्टिकल जो है विदाउट स्पायरल आर्म्स, मतलब हम बात करते हैं यहाँ की। देखो अब जो एलिप्टिकल है इसको हम कहते हैं अंडाकार गैलेक्सी भी कहते हैं, ठीक है, थीके? इसका शेप आपके ओवल शेप होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो मेन क्या है, इसके आर्म्स नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात, आपके जो एलिप्टिकल जो आर्म्स है, जो अंडाकार जो आपकी गैलेक्सीज होती हैं, इसके अंदर मेन क्या चीज है कि यहाँ पर मेन सेंटर में, सबसे बड़ी बात कि यहाँ सेंटर में बहुत ज्यादा क्या होगा, आपको डेंसिटी मिलेगी, लाइट मिलेगी आपको, ठीक है, ये यहाँ पर है। और मेन क्या होगा इसके अंदर, बहुत सारा क्या होगा यहाँ पर, बहुत सारा डस्ट होगा, सबसे बड़ी बात। एलिप्टिकल की बात कर रहे हैं हम, जो अंडाकार जो गैलेक्सी है उसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा यहाँ पर आर्म्स नहीं होगी, ठीक है, सेंटर में बहुत ज्यादा आपको क्या मिलेगा, बल्क मिलेगा, आपको दिख रहा है ऑब्वियसली बात है, ये चीज यहाँ पर सामने, ठीक है, ये इस तरह से बात करेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड वाले की, इरेगुलर, ऑब्वियसली बात, इरेगुलर मतलब विद नो शेप। तो यहाँ पर कोई शेप नहीं है, यहाँ पर कोई सेंटर में बल्ब भी नहीं है ना आर्म्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो इरेगुलर वाली जो गैलेक्सीज हैं, आपको मोस्टली यहाँ पर जिसकी ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी वो आपको मिलने वाली है आपको डस्ट की और गैसेस की। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से, तो आपकी जो इरेगुलर जो गैलेक्सीज हैं उसमें डस्ट की क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी आपको, है ना, वो फॉर्म नहीं होगा पर्टिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से ये गैलेक्सी की आपकी, आपकी जो स्ट्रक्चर थे वो डिफरेंट है, हमने तीन फॉर्म पढ़े हैं आपके, स्पायरल, एलिप्टिकल जो अंडाकार होता है, और इरेगुलर, इसका कोई शेप नहीं है यहाँ पर, ओके, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो बड़ा ये होगी यहाँ पर, ये बात होगी गैलेक्सीज के बारे में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं एक चीज है जो अभी इस चीज से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि ये जो है, जो जिनका आविष्कार हुआ है वो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हुआ, कुछ नासा और इनके थ्रू ये चीजें फॉर्म की गई, हमारे इंडिया इसरो में भी ये चीजें फॉर्म हुई। तो देखते हैं हम यहाँ पर, देखो मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं हम लोग, मास्ट कहते हैं इसे, मल्टी एप्लीकेशन सोलर जो टेलीस्कोप है, वॉज इनोवेटेड
और अगस्त 4, 2015 के अंदर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछा गया है, काफी एग्जामिनेशन में आता है बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मार्स के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, तो दिस इज द एशिया बिगेस्ट सोलर टेलीस्कोप सिचुएटेड एट द फतेह सागर सोलर ऑब्जर्वेटरी इन उदयपुर। तो आपके जो मास्ट है वो एक तरह से दूरबीन है, आप बिगेस्ट सोलर टेलीस्कोप है ये, ठीक है, एशिया का, ठीक है। हम एशिया के केस में बात करते हैं, तो आपका जो बिगेस्ट सोलर टेलीस्कोप है वो आपके कहाँ पर है, आपके वो इंडिया के अंदर राजस्थान के उदयपुर के अंदर है चीज, ठीक है। जिसको जिसको कब बनाया गया, इसको कब इसका उद्घाटन हुआ, यहाँ पर इनोग्रेशन हुआ आपके, है ना, 4 अगस्त 2015 के अंदर, मास्ट कहते हैं इसे, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आता है आपके, ठीक है। चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, इसका नाम क्या है आपके, फास्ट, ठीक है। तो 500 मीटर्स, है ना, देखो इसका फुल फॉर्म देखो, 500 मीटर अपरेचर स्पेरल टेलीस्कोप, ये इसका है फास्ट का फुल फॉर्म है आपके। कई बार चीज आ जाती है चीज, पर यहाँ पर एक चीज हो रही है, इसको जो है आपके फास्ट जो है इसको आई ऑफ द स्काई भी कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग यहाँ पर आई ऑफ द स्काई भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज है, या फिर हेवन भी चीज है। तो आपके दोनों चीजें एग्जाम में आने वाली है, ठीक है ना। तो आई ऑफ द स्काई और आई ऑफ द हेवन, ये दोनों चीज किसको कहते हैं, फास्ट, जो चाइना आपके जो बना रहा है, जो फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है वो, उसने जो आपके 2016 से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चाइना के जो ये लार्जेस्ट जो रेडियो टेलीस्कोप जो फॉर्म कर रहा है फास्ट, इसको आई ऑफ द स्काई भी कहते हैं। 2016 से इसका फॉर्मेशन चल रहा है, कंटिन्यू, ठीक है, चीज है। और इट हैज इट विल लीव बिहाइंड द कैपलर, ठीक है, ऑफ नासा आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो आपके इसकी फॉर्मेशन के बाद, कंप्लीट होने के बाद में, जो आपका नासा है, नासा का जो कैपलर है ना, वो भी रेडियो जो टेलीस्कोप है उसको पीछे छोड़ दे रहा है, इतना क्वांटिटी ज्यादा है ये, मतलब 20 एकड़ के एरिया के अंदर फॉर्म हो रहा है, 20 एकड़ वाले एरिया के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात हो रही है, क्लियर है चीज। तो हम लोगों ने देखा है मास के बारे में और फास्ट के बारे में, ओके। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब देखो सोलर सिस्टम आप सभी 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 लोग जानते हैं, यहाँ पर प्लैनेट्स हैं, है ना, और बहुत सारे यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। द सन एंड द बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, सन के साथ में जो उसके साथ में जो भी कुछ कुछ और जो चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग 8 प्लैनेट्स, है ना, और 172 सेटेलाइट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉमेट्स भी हैं यहाँ पर, है ना, मतलब यहाँ पर पुच्छल तारे हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, और एस्ट्रॉइड्स, मतलब यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम, तो ये सारे मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, सोलर सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, मतलब सन के साथ में जो दूसरी चीजें हैं, और दूसरी में एट प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ठीक है ना, उपग्रह हैं यहाँ पर, ठीक है, क्षुद्र ग्रह है ना, तो उल्का पिंड है, तो ये सारी चीजें सबके साथ में मिला के क्या बनता है आपका, सोलर सिस्टम फॉर्म होता है, ओके। द सन इज द ओरिजिनेटर ऑफ द सोलर सिस्टम, है ना, तो आपके सन यहाँ पर जो है सोलर सिस्टम का मेन ओरिजिनेटर है, आपके इसी से इस चीज बन रहा है, क्योंकि वहां पर लाइट पहुंच रही है सन से, ठीक है, विच इवेंचुअली इज ऑल्सो ए स्टार, एक खुद भी एक स्टार, हमने पढ़ा है चीज आपके, एंड द सोर्स ऑफ द लाइट एंड एनर्जी। तो आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपके सन है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सन इज द न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो यहाँ पर कि चलो हम बात करते हैं कि सन को जो है, सन यहाँ पर एनर्जी का और लाइट का सोर्स है, और सन के अंदर भी एक जो और जो एनर्जी और जो लाइट क्रिएट हो रही है उसका सोर्स क्या है, तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब नाभिकीय संलयन जो है, ठीक है, उसके रिएक्शन की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियर फ्यूजन का, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में चेंज हो रहा है, और यही चीज जो सन के अंदर है वो एनर्जी का सोर्स है, ये यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आप सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आपको आई होप आपको क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो जो चीज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, अब लोग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द प्लैनेट्स। देखो अब लोग यहाँ पर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो प्लैनेट्स हैं आपके, जो यूनिवर्स के अंदर जो चीजें हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स, मोस्टली फैक्ट्स हैं आपके यहाँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फैक्ट्स देखते हैं, सबसे जो बात कर रहे हैं हम, आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर, ठीक है ना, बिगेस्ट प्लैनेट्स की बात हो रही है। तो आपका जो बिगेस्ट प्लैनेट्स है ना, वो आपके क्या बताया, आपके जुपिटर को बताया, ठीक है। तो आपके जुपिटर प्लैनेट बताया आपके, वो आपके जुपिटर है, आप देख रहे हैं इमेज पे, देखो आप बताता हूँ आपको इमेज, देखो तो आपके यहाँ पर देखो आप ये चीज़ आपको डिस्प्ले पर विजिबल है इस तरह से, तो आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इमेज जो सबसे बड़ा प्लैनेट है आपको, जो मैंने राउंड किया है, यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्वियसली दिख रहा है, तो आपके सबसे बड़ा जो प्लैनेट है आपके जुपिटर है, ठीक है, ये चीज हम देख रहे हैं, ओके, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्लानेट की, वो आपका मर्क्यूरी है यहाँ पर, तो आपके स्मॉलेस्ट जो प्लानेट है यहाँ पर
आपके ये वाला सन के जो सबसे पास वाला है मरक्यूरी, आपके ये स्मॉलेस्ट प्लानेट से जो बहुत छोटा प्लानेट है, ठीक है ना। अब आप बात करते हैं बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, तो आपके जो गैनेमेड है या आपके बिगेस्ट सैटेलाइट है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो सबसे बड़ा उपग्रह, और यहाँ पर जो उपग्रह की बात हो रही है कैसे हो रही है, नेचुरल उपग्रह की बात हो रही है, ठीक है। आपका ये नेचुरल सैटेलाइट है गैनेमेड, जो आपका जो बिगेस्ट सैटेलाइट है, ये आपके मोस्टली जो सैटेलाइट है वो आपके उपग्रह है ना, गैनेमेड सबसे बड़ा वाला। और ये किसका है, ये आपके जुपिटर का सैटेलाइट है, आपका जो गैनेमेड है इसी, ये इसी का क्या है, सैटेलाइट है यहाँ पर, ठीक है ना, है ना। तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि ये आपका सबसे बड़ा सैटेलाइट है। अब कंडीशन क्या है, देखो अब ये इतना बड़ा सैटेलाइट है यहाँ पर, तो हम लोग इसको है ना प्लानिट के अंदर क्यों इंक्लूड नहीं कर लेते, है ना। आप लोग मोस्टली इसी सोच सकते हो कि सब लोग गैनेमेड है यहाँ पर बिगेस्ट सैटेलाइट है, तो इसको हम प्लानिट्स में क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और इसको अपग्रह। पर ये क्या करता है, आपको वैसी बात है, सैटेलाइट होता क्या है कि जो भी जो प्लानिट जो भी है जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो राउंड लगाते हैं आपके प्लानिट के, ठीक है। तो आपके ये राउंड लगाता है किसके, आपके जुपिटर के। अगर ये राउंड लगाता सन के, तो ये चीज जो है गैनेमेड भी वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, आपके प्लैनेट्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है चीज, है ना, ठीक है, क्लियर है चीज यहाँ पर, इस तरह से ये चीज है यहाँ पर, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉलेट जो आपका सेटेलाइट है आपका, वो क्या है, डेमोस है ना। बट ये चीज, अब डेमोस आपके जो है वो आपके किसका है सेटेलाइट, आपके ये मार्स का है, मार्स का सेटेलाइट है ये, सबसे छोटा है, फोबोस और डेमोस, ठीक है। ये दोनों दोनों आपके सेटेलाइट है, आपके ये बहुत ज्यादा इनकी जो है बहुत छोटे हैं ये आपके उपग्रह, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे, तो ब्लू प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। तो ब्लू प्लैनेट्स जो है आपके, ब्लू प्लैनेट्स हमारे अर्थ को बताते हैं, क्योंकि अर्थ जो है यहाँ पर 70% मोस्टली वाटर है, 70 से ज्यादा ही वाटर है, ठीक है। और ये आपके जो यूनिवर्स में से आप इसे देखते हैं, हम लोग अंतरिक्ष अगर देखते हैं अर्थ को, तो वो ब्लू दिखाई देता है वाटर के, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है यहाँ पर इस वजह से, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन प्लैनेट की बात करते हैं, ठीक है ना। आपको वो बोला जाता है, आपके यूनिवर्स को बोला जाता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ग्रीन प्लैनेट जो आपके यूनिवर्स है, क्योंकि यहाँ पर मेथेन गैस की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। वो हम बात करते हैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट, देख रहे हैं आप वेनस, ठीक है। अब ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है यहाँ पर वेनस, हम देखते हैं वेनस आपके, देखो ये चीज पास में, ये मर्क्यूरी के पास में सेकंड प्लैनेट आपका मार्स है। अब देखो एक्चुअली कंडीशन क्या है यहाँ पर, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, तो आपके ब्राइटेस्ट प्लैनेट होने का क्या क्या रीजन हो सकता है। देखो यहाँ पर वीनस में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, क्लाउड्स मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत सारे क्लाउड्स हैं यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो वीनस प्लैनेट्स के अंदर बहुत सारे क्लाउड्स हैं, तो ये जो है थिक क्लाउड्स है वो लाइट को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो सन को भी, जो भी से सनलाइट यहाँ पर कैप्चर होती है, ठीक है, तो वो चीज़ इसके पास वो हमेशा रहती है, मतलब ये मोस्टली सन से आने वाली 70% लाइट को यहाँ पर ही कैप्चर कर लेता है, ठीक है। इस वजह से ये चीज क्या है, यहाँ पर ये प्लैनेट जो है विनस, ये मोस्टली ब्राइटेस्ट दिखता है आपको, ठीक है ना। और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, तो आपका ये सबसे ज्यादा, इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी आपने सुना होगा, तो वो आपका जो टर्म है आपका, ठीक है, जो इवनिंग स्टार, ठीक है, और आपका मॉर्निंग स्टार, ठीक है, ये दोनों जो टर्म है वो किसके लिए यूज हो रहे हैं आपके, या आपके विनस के लिए यूज हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये मतलब सूरज से उगने से पहले भी, यही आपको दिखता है, क्योंकि सबसे ब्राइटेस्ट यही है, और इवनिंग में भी ये चीज आपको विजिबल रही, ठीक है, ये चीज है। और एक और चीज यहाँ पर, एक और है आपके नेक्स्ट जो टर्म है वो आपके रहेगा अर्थ ट्विंस, है ना। अब अर्थ ट्विंस या फिर अर्थ सिस्टर, एक वर्ड हो रहा है यहाँ पर अर्थ सिस्टर, ठीक है। तो ये आपको किसको बोला जाता है यहाँ पर, ये आपको वेनस को बोला जाता है, क्या ना, ट्विंस बोला जाता है, कि अर्थ का टिंग बोला है, ट्विंस बोला है यहाँ पर, और सिस्टर भी बोला है। तो ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसका क्लाइमेट या कुछ ऐसा चांसेस है यहाँ पर लाइफ के चांसेस वीनस पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, कि जो अर्थ का जो डेंसिटी है, जो मास है, जो साइज है, वो एज इट इज कैसे कैसा है वीनस के ऐसा है, इसी वजह से वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला है, ठीक है, या फिर इसको आपके अर्थ का सिस्टर भी बोला जाता है, ओके, क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये चीज की, ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट चीज, है ना। तो इस तरह से आपने ये प्लैनेट्स, और ये इस तरह से यहाँ पर ये चीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो है ना, क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे पास में सूरज के अलावा जो सोलर सिस्टम के पास में जो तारा है वो आपके क्या है, वो आपके प्रोक्सीमा सेंचुरी है, ठीक है, जो सबसे पास में है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके जो सबसे जो पास में जो स्टार है आपके, ठीक है, सोलर सिस्टम के पास में, वो आपके क्या आ रहा है, वो आपके वो आ रहा है प्रोक्सीमा सेंटोरी आ रहा है, ओके। प्रोक्सीमा सेंटोरी सबसे पास है। अब ये कितना पास है, ये 4.2 आपके लाइट ईयर्स है ना, आपके ये 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम। अब जो
सोलर सिस्टम के अलावा, है ना, सन तो है ही सही यहाँ पर, और मैं वीनस की भी बात करी तो उसके अलावा जो है ना सोलर सिस्टम के बाहर दूसरा सबसे ज़्यादा जो चमकीला जो प्लानट है ना हमारे यहाँ पर सोलर सिस्टम में, तो क्या है, हमारा वीनस है। अब यहाँ पर जो सीरियस है, आपका सीरियस जो है इसको डॉग स्टार भी बोला जाता है, ठीक है ना, तो ये आपके सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। अब इसको डॉग स्टार क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ग्रीक वाला कैलेंडर है उसमें आपके क्या है, जुलाई, जुलाई 3rd से लेकर अगस्त, ठीक है ना, मिड समथिंग होता है वो, 11 या 15 तक समथिंग है, ठीक है, तो उस टाइम ड्यूरेशन को डॉग स्टार बोला था कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो इसी टाइम ड्यूरेशन पे ही सबसे ज्यादा यहाँ पर चमकता है इस टाइम ड्यूरेशन में, तो इसलिए इसको डॉग स्टार बोला जाता है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। हम बात करते हैं कोल्डेस्ट प्लैनेट की, बात करते हैं नेपच्यून की, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो ये नेपच्यून यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं आप ये चीज यहाँ पर, देखो नेपच्यून यहाँ पर सूरज से सबसे दूर चला गया, जो मैंने राउंड सर्किल किया अभी मैं, ये आपके सूरज से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ आपके यहाँ पर, कि ये जो है आपके जो हमने देखा कि जो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट, जब मतलब सन की लाइट नहीं पहुंच रही है वहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है ये कोल्डेस्ट प्लैनेट होगा, सबसे ठंडा है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये इतना ठंडा है कि इसका जो टेम्परेचर वो -200 से भी ज़्यादा पहुँचता है, ठीक है, आपका जो टेम्परेचर है वो आपका -200 से भी ज़्यादा इसकी मतलब यहाँ पर ठंडा रहता है ये चीज़, है ना, -200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो इतना ये ठंडा यहाँ पर हो जाता है। ओके, हम बात करते हैं रेड प्लैनेट, तो वो कहते हैं आपके मार्स को कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड जो है, यहाँ पर जो सरफेस है वहाँ पर वो क्वांटिटी ज़्यादा मिलता है, तो वो थोड़ा सा रेडियस जो है वो रेडियस अपीयरेंस दिखता है उसका, है ना, वहाँ के जो सरफेस है उसमें आपके जो है वो आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा रेड अपीयर दिखता है आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से बात हो रही है, तो इसी वजह से मार्स को आपका रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके, ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो इवनिंग स्टार, वही वीनस आपको बताया मैंने, इवनिंग और जो है आपका मॉर्निंग वाला जो है वो आपके दोनों इसी को बोला जाता है, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, क्योंकि ये ब्राइटेस्ट है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सूरज के पास भी है तो ये यहाँ पर, और जो क्लाउड्स हैं वो आपके सूरज की सबसे ज़्यादा एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, सनलाइट को सबसे ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पर ये बात हो रही है। ओके, तो वीनस जो है आपका वो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार दोनों है। ओके, अब हम बात करते हैं स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम, आपका नेपच्यून है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है क्लाउड्स वहाँ पर, क्योंकि आइस की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर है, माउंटेन्स और ये सब चीज़ें, तो इस वजह से डेंसिटी ज़्यादा ही होने की वजह से स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन है उसका, ठीक है ना। अब बात करते हैं सोलर रोटेशन की, तो वो आपके वीनस है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, ओनली सैटेलाइट विद द एटमोसफेयर लाइक अर्थ। अब हम देखते हैं कि जो हमारे सन का जो एटमोसफियर है वैसे वाला उपग्रह कौन है यहाँ पर, तो ये टाइटन की बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जो टाइटन यहाँ पर जो सैटेलाइट है इसका जो एटमोसफियर है ना वो अर्थ की तरफ बताया, तो मोस्टली यहाँ पर क्या ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पूरा एक तरह से पूरा क्लाइमेट और सब चीज़ों, यहाँ एटमोस की बात हो रही है, तो एटमोसफियर में क्या हमारे अर्थ में यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो है टाइटन जो है सेटेलाइट वहाँ पर जो है आपके नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको यहाँ पर अवेल होगी, इस वजह से इसी का जो एटमोसफियर है वो अर्थ जैसा बोला जाता है। ओके, तो हमारा आज का ये था लेक्चर, आई होप आपको सब कुछ मोस्टली इजीली, और हम लोग आज हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, आपको इजीली समझ में आया होगा ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्लास में भी इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।